शेख मोहतरम, क्या ख्वातीन अपने घर के अंदर जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतमाम कर सकती है? एक ख्वातीन इमामत करे, जिसे आमतौर पर हाफिजा भी होती हैं बहुत सारी ख्वातीन, तो वो जो हाफिजा हैं वो इमामत करे और वो दूसरी ख्वातीन, उनके घर की ख्वातीन या आस पड़ोस की ख्वातीन जमा होकर एक घर में तरावी की नमाज का एहतमाम करें, क्या ऐसा करना सही है? जी बेशक कर सकती हैं, फर्द नमाज की जमात की उन्हें इजाज़त है। जी बस ये इतना याद रहे कि ख्वातीन की जो इमाम होगी वो इमाम उनके सब के दरमियान होगी। अब कोई औरत अगर वो हाफिज़ा है और कुरान करीम और सुनाती है जी, तो वो पढ़ करके सुना सकती है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। जी बिल्कुल, हाँ घर से बाहर ना जाए। इसीलिए एक सहाबिया हैं, वो अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आई और कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ नमाज पढ़ूँ। जी कहाँ? मस्जिद नबी में। अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेडरूम में नमाज पढ़ना तुम्हारे घर में नमाज पढ़ने से बेहतर है। जी तुम्हारे घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे बरामदे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। जी तुम्हारे घर में नमाज पढ़ना तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। जी तुम्हारा मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना तुम्हारे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से बेहतर है। किस बुनियाद पर? यानी ये पर्दे की बुनियाद पर अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि औरत को चाहिए कि वो हद दर्जा वो एहतियात करे जो है, और पर्दे में रह करके वो नमाज पढ़े। तो औरत को चाहिए कि वो इमामत अगर कराएगी हाफिज़ा तो उसकी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग मर्द हजरात जो बगल के हों वो लोग सुन पाएँ। जो तो यकीनन अगर फर्द नमाज की इजाज़त है तो ये तो नफली नमाज है, वो पढ़ सकती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा शेख मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।